हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एना। आज के इस क्लास में आप सीख के जाएंगे पूरे 20, हाँ जी पूरे 20 फ्रेजेस, 20 वाक्यांश, ठीक है, जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। इसको आप थोड़ा सा याद करोगे पहले शुरू शुरू में, फिर इसको रोज बोल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने सर्कल में, फिर उसके बाद आप परफेक्ट होने वाले हो। So, without further ado, let's get started. Yes, पहला है कि जब आपने कहना हो कि हाँ बस आ रहा हूं, कि मैं रास्ते में हूं, बस आ रहा हूं, सो उस केस में आप कहेंगे just coming. दूसरा है बहुत अच्छा, right? इसका मतलब है बहुत बढ़िया भी कह सकते हो हिंदी में, उसको आप इंग्लिश में कहेंगे very well. राइट, अगर किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अच्छी बात कही है, तो आप लगा लेंगे वेरी वेल सेड। राइट, नंबर थ्री, कोई बात नहीं। जब आपको कोई धन्यवाद करता है, आप किसी की मदद करते हो और वापस में वो धन्यवाद करता है, पर आप चाहते हो कि वो धन्यवाद ना करें, राइट, तो उस केस में आप कहेंगे नेवर माइंड, कि कोई बात नहीं, राइट। ओके, नंबर फोर, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपके घर पे बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कुछ खाना और आपसे पूछ रहे हैं या आपसे पूछना चाहते हैं कि हम कौन सा खाएं, आपके अकॉर्डिंग क्या है अच्छा या फिर नहीं, तो उस केस में अगर आप चाहते हो कि आप ये कहें कि जैसी आपकी मर्जी, राइट, तो उस केस में आप कहेंगे एज यू लाइक। अब लाइक की जगह आप कह सकते हो विश, विश, हाँ जी। नंबर फाइव, और कुछ, अगर आप किसी रिश्तेदारों से पूछ रहे हो कि खाना खत्म हो गया या खाना कम रह गया है या वो खाना फिनिश कर चुके हैं, तो आप उनसे पूछना चाहते हो कि कुछ और, कि मैं कुछ और लेके आऊं या फिर कोई और चीज, राइट, तो उस केस में आप कहेंगे एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, कुछ और, राइट, ओके। बस बहुत हुआ, तो जब आप गुस्से में होते हो और दूसरे वाला बंदा आपको, दूसरे सामने वाला व्यक्ति जो है आपको बर्दाश्त नहीं होता या फिर उसकी बात बर्दाश्त नहीं होती है, तो उस केस में आप कह सकते हैं दैट्स इनफ, और ये फ्रेज बोलते हुए आपका थोड़ा सा गुस्सा ऐसे दिखेगा दूसरे को, तो ये थोड़ा सा गुस्से वाला फ्रेज है, सो दैट्स इनफ। ओके, नंबर सेवन, अब आपने बहुत सारा खा लिया है, राइट, और रिश्तेदार आपको कह रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा और लो, थोड़ा सा और क्या लोगे, क्या थोड़ा सा और लोगे या फिर थोड़ा सा ले लो, तो उस केस में अगर आपके पेट में 1% भी जगह नहीं है, लाइक जब हम कुछ खा लेते हैं बहुत ज्यादा और 1% भी जगह नहीं है, तो उस केस में आप कहेंगे नॉट अ बिट, बिट मतलब, अ बिट मतलब थोड़ा सा, सो थोड़ा सा भी नहीं, राइट। सो नंबर एट, कल मिलेंगे, जैसे मैं आपको इस क्लास के अंत में कहूंगी कि कल मिलेंगे या फिर मिलेंगे, सी यू टुमारो, राइट, पर इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अगर आपने कहना हो जल्दी मिलेंगे तो आप कह सकते हैं सी यू सून। ये थोड़े से फ्रेज जो है वर्ड्स बदल के आप फ्रेज ही नया तैयार कर सकते हैं, हाँ जी। अब किसी बात का जवाब आपने हाँ करना है, हाँ भी ऐसे कि निसंदेह, कि मतलब पूरी दिल से हाँ या पूरे तरीके से हाँ बोल रहे हो, तो उस केस में आप कहेंगे यस, जिसका मतलब है हाँ, बाय ऑल मींस, पूरा पूरे तरीके से या फिर पूरे दिल से या फिर पूरे तौर पे हाँ, राइट। यस बाय ऑल मींस को आप एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं सर्टेनली, राइट, ओके। कुछ भी नहीं, क्या आप कुछ छुपा रहे हो, राइट, या फिर कि आपने अगर ये कहना हो कि कुछ भी नहीं, क्या आपको कुछ चाहिए, तो आप कह सकते हो, फ्रेज ये यूज कर सकते हैं नो नॉट एट ऑल, हाँ जी। अगले फ्रेजेस करने से पहले आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, हाँ जी। ये वाले 10 हैं कमांड या ऑर्डर, जब आप किसी को ऑर्डर करते हो, ठीक है, शुरू करते हैं। 11th है इधर देखो, राइट, लुक देखना, हियर इधर,
सो लुक हियर. अगर आपने कहना हो उधर देखो तो आप कहोगे लुक देयर. हाँ जी, नेक्स्ट है बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड. अब ये मैंने कहा है कि ये 10 के 10 हैं छोटे छोटे फ्रेजेस, पर ये सारे ही कमांड हैं, राइट, या फिर ऑर्डर. हाँ जी, तो ध्यान से देखेंगे और लिखते जाओ अगर आप लिख रहे हो, राइट. हाँ जी, वेट आउटसाइड मतलब कि बाहर इंतजार करो, ऊपर जाओ, गो अप, ना गो डाउन. अगर आपने कहना हो ऊपर जाओ तो आप इसको ये भी कह सकते हो, गो अप स्टेयर्स. स्टेयर्स का मतलब होता है पौड़ियां, सीढ़ियां जिसको बोलते हैं हिंदी में. हाँ जी, नेक्स्ट इज गेट रेडी, कि तैयार हो जाओ. ये ज्यादातर मम्मियां बोलती हैं सुबह सुबह बच्चों को तैयार करते हुए कि जल्दी करो, स्कूल बस आने वाली है, राइट. सो गेट रेडी. अगर आपने किसी को बोलना हो कि सावधान रहो ध्यान, या फिर ध्यान से, तो आप कह सकते हो बी केयरफुल, या फिर ये भी कह सकते हैं बी कॉशियस. हाँ जी, नेक्स्ट इज यहां रुको, स्टॉप हियर, जैसे कि इधर, राइट. अगर आपने कहना हो वहां रुको तो स्टॉप देयर. सीधे जाओ मतलब सीधे जाओ, या फिर यहां पे रोड है और आप कह रहे हो सीधे जाओ, सीधा. चले जाओ, गो अवे. हाँ जी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी. ये है सारी कमांड. अब एक वर्ड लगाएंगे और इसको हम पोलाइटनेस में बदल देंगे, नम्रता के वाक्यांश बना देंगे. देखिए कैसे. अब इनके सबके आगे आप एक वर्ड ऐड कर दोगे, प्लीज. क्या ऐड करेंगे? प्लीज. तो ये हो गया पोलाइट फ्रेजेस. उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है. और मैं आपको ये बात बता दूं, जो हमेशा कहते रहते हैं कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, ये उन लोगों के लिए है, उन हाउसवाइफ्स के लिए है जिन्होंने, या उन मॉम डैड के लिए है कि जिन्होंने पढ़ाई का जो रिश्ता है काफी उनका पुराना हो गया है. सो अगर आप हिंदी बोल सकते हो वैसे ही आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, सिर्फ आपका डर जो है वो बोलने नहीं देता, राइट. सो बेफिक्र होके मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.